कोरोना वबा की हौलनाकी में दिन ब दिन इजाफा, 24 घंटों में 244 नए कोरोना मरीज, 43 रोज में मुतासर लाहौरियों की मजमू तादाद 1187, अम्बाद 36 हो गई। जिला कचहरी के मजिस्ट्रेट और PIC के मजीद 3 मुलाजमों में कोरोना पॉजिटिव निकला। पंजाब भर में केसेस बढ़कर 5378, जहां बहक अफराद 80 से जायद हो गए, जबकि आपको बताएं कि 1126 सेहतियाबी पर घर चले गए। सब्जी और फलों की रिटेल मार्केटों पर नाजायज मुनाफाखोर छा गए, लीमू की हाई जब कीमत 200 रुपए किलो से 400 रुपए हो गई, टमाटर भी दगाबाज निकला, फी किलो नेख 30 से 50 रुपए पर पहुंच गया, फलों के नेख भी पहुंच से बाहर, केला 150 से 300, खरबूजा 120 रुपए किलो। मॉडल बाजार सहूलत स्टॉल्स भी महंगाई से मुतासर, सब्सिडी 15 रुपए किलो के बजाय 5 रुपए तक महदूद, गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत लीमू 155 रुपए इजाफे से 285 रुपए किलो हो गया, आलू 10 रुपए बढ़कर 50, प्याज 38 से 47 रुपए किलो दस्तयाब, करियाना सहूलत स्टॉल्स पर 55 आइटम्स के नेखों में 40 रुपए तक की रियायत, चिकन 12 रुपए कम होकर 192 रुपए किलो हो गए। लॉकडाउन के असरात पंजाब हुकूमत माली बहरान का शिकार, वजीर आला ने सरकारी खर्च पर अफ्तार पार्टियों पर पाबंदी लगा दी, सूबाई हुकूमत के गैर मुल्की डोनर से कर्ज की बकाया रकम के लिए भी रब्ता, डोनर की जानिब से हौसला अफजा जवाब, 28 अरब की रकम जल्द मिलने की तवक्को। लॉकडाउन के सबब माह सयाम का नया रंग और नया रूप, पहली अफ्तारी बाजारों में रौनक के बाद समोसे पकौड़ों की दुकानों पर रश कम रहा, शहरियों का घरों में अफ्तार का एहतमाम, पाबंदी के सबब कहीं इज्तमाही अफ्तारी हुई ना ही मसाजिद में दस्तरखान सजे गए, बाजमात नमाज तरावी के लिए बेशतर मसाजिद में 20 नुकाती SOPs पर अमल दरामद, समाजी फासले के साथ इबादत की गई। फेरी वाले फल सब्जी फरोश और रेड़ी बान पाबंदी से मुस्तस्ना है, तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की वजाहत, कहा नोटिफिकेशन के तहत सब्जी फल फरोश फेरी वालों रेड़ी बानों पर औकात कार की भी पाबंदी नहीं। शुगर इंक्वायरी कमीशन की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने न लाना इतराफ जुर्म है, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का हुकूमत पर स्कैंडल के जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश का इल्जाम, बोले रिपोर्ट में ताखीर से 100 अरब के डाके की तस्दीक हो गई। रिंग रोड पर जाली मोटरवे इंस्पेक्टर को गर्लफ्रेंड के साथ सैर सपाटा महंगा पड़ गया, रिंग रोड पुलिस की कार्रवाई, मोटरवे पुलिस का जाली शनाख्ती कार्ड बरामद, मुलजिम डिफेंस सी थाना पुलिस के हवाले, खातून को वालिदैन के सपोर्ट कर दिया। महबूस आबू के करीब रेस्क्यू एम्बुलेंस ट्रक से टकरा गई, हादसे में मरीज के दो लवाहिकीन जा बहक, अमले समेत 7 अफराद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल किए जाने वालों में से एक की हालत तश्वीशनाक। जायदाद की लालच में अंधी मां डाइन बन गई, 22 साल बेटे को तेल छिड़क कर आग लगा दी, मकतूल आसिम का नजाई बयान में इंकशाफ, आसिम वालिद से झगड़ कर 80 लाख का नॉन कस्टम पेड सोना बरतानिया ले जाने की कोशिश नाकाम, कस्टम जुकाम ने खसूसी परवास के मुसाफिर से सोना कब्जे में ले लिया। रेलवे प्रेम यूनियन भी कोरोना के खिलाफ आगाही मुहिम का हिस्सा, यूनियन रहनुमाओं की जानिब से मुलाजमीन में मास्क और साबुन की तकसीम, सदर प्रेम यूनियन फयाज अहमद का सख्त हालात में जिम्मेदारी निभाने वाले मुलाजमीन को खिराज तहसीन पेश। रहनुमा मुस्लिम लीग कौफ चौधरी शाफे हुसैन के 8 साल गिरा, दोस्त अहबाब अजीज रिश्तेदारों की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम, नए ख्वाहिशात का इजहार। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का अगस्त तक सरगर्मियां मुअत्तल रखने का फैसला, पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम का दौरा यूरोप मुल्तवी, अजलान शाह कप में शिरकत भी गैर यकीनी, फेडरेशन ने कौमी टूर्नामेंट्स का इनेकाद भी रोक दिया। कोरोना वबा की हौलनाकी में दिन ब दिन इजाफा,
24 घंटों में 244 नए कोरोना मरीज, 43 रोज में मुतासर लाहौरियों की मजमू तादाद 1187, अम्बाद 36 हो गई। जिला कचहरी के मजिस्ट्रेट और PIC के मजीद 3 मुलाजमों में कोरोना पॉजिटिव निकला। पंजाब भर में केसेस बढ़कर 5378, जहां वहाँ अफराद 80 से जायद हो गए, जबकि आपको बताएं कि 1126 सेहतियाबी पर घर चले गए। सब्जी और फलों की रिटेल मार्केटों पर नाजायज मुनाफाखोर छा गए। लीमू की हाई जब कीमत 200 रुपए किलो से 400 रुपए हो गई। टमाटर भी दगाबाज निकला, फी किलो नेख 30 से 50 रुपए पर पहुंच गया। फलों के नेख भी पहुंच से बाहर, केला 150 से 300, खरबूजा 120 रुपए किलो। मॉडल बाजार सहूलत स्टॉल्स भी महंगाई से मुतासर, सब्सिडी 15 रुपए किलो के बजाय 5 रुपए तक महदूद। गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत लीमू 155 रुपए इजाफे से 285 रुपए किलो हो गया। आलू 10 रुपए बढ़कर 50, प्याज 38 से 47 रुपए किलो दस्तयाब। करियाना सहूलत स्टॉल्स पर 55 आइटम्स के नेखों में 40 रुपए तक की रियायत। चिकन 12 रुपए कम होकर 192 रुपए किलो हो गए। लॉकडाउन के असरात पंजाब हुकूमत माली बहरान का शिकार। वजीर आला ने सरकारी खर्च पर अफ्तार पार्टियों पर पाबंदी लगा दी। सूबाई हुकूमत के गैर मुल्की डोनर से कर्ज की बकाया रकम के लिए भी रब्ता, डोनर की जानिब से हौसला अफजा जवाब, 28 अरब की रकम जल्द मिलने की तवक्को। लॉकडाउन के सबब माह सयाम का नया रंग और नया रूप, पहली अफ्तारी बाजारों में रौनक के बाद समोसे पकौड़ों की दुकानों पर रश कम रहा। शहरियों का घरों में अफ्तार का एहतमाम, पाबंदी के सबब कहीं इज्तमाही अफ्तारी हुई ना ही मसाजिद में दस्तरखान सजे गए। बाजमात नमाज तरावी के लिए बेशतर मसाजिद में 20 नुकाती SOPs पर अमल दरामद, समाजी फासले के साथ इबादत की गई। फेरी वाले फल सब्जी फरोश और रेड़ी बान पाबंदी से मुस्तस्ना है, तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की वजाहत। कहा नोटिफिकेशन के तहत सब्जी फल फरोश फेरी वालों रेड़ी बानों पर औकात कार की भी पाबंदी रही। शुगर इंक्वायरी कमीशन की फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने न लाना इतराफ जुर्म है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का हुकूमत पर स्कैंडल के जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश का इल्जाम, बोले रिपोर्ट में ताखीर से 100 अरब के डाके की तस्दीक हो गई। रिंग रोड पर जाली मोटरवे इंस्पेक्टर को गर्लफ्रेंड के साथ सैर सपाटा महंगा पड़ गया। रिंग रोड पुलिस की कार्रवाई, मोटरवे पुलिस का जाली शनाख्ती कार्ड बरामद, मुलजिम डिफेंस सी थाना पुलिस के हवाले, खातून को वालिदैन के सपोर्ट कर दिया। महबूस आबू के करीब रेस्क्यू एम्बुलेंस ट्रक से टकरा गई। हादसे में मरीज के दो लवाहिकीन जा बहक, अमले समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। अस्पताल मुंतकिल किए जाने वालों में से एक की हालत तशवीशनाक। जायदाद की लालच में अंधी मां डाइन बन गई, 22 साल बेटे को तेल छिड़क कर आग लगा दी। मकतूल आसिम का नजाई बयान में इंकशाफ, आसिम वालिद से झगड़ कर 80 लाख का नॉन कस्टम पेड सोना बरतानिया ले जाने की कोशिश नाकाम, कस्टम जुकाम ने खसूसी परवास के मुसाफिर से सोना कब्जे में ले लिया। रेलवे प्रेम यूनियन भी कोरोना के खिलाफ आगाही मुहिम का हिस्सा, यूनियन रहनुमाओं की जानिब से मुलाजमीन में मास्क और साबुन की तकसीम। सदर प्रेम यूनियन फयाज अहमद का सख्त हालात में जिम्मेदारी निभाने वाले मुलाजमीन को खिराज तहसीन पेश। रहनुमा मुस्लिम लीग कौफ चौधरी शाफे हुसैन के 8 साल गिरा, दोस्त अहबाब अजीज रिश्तेदारों की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम, नए ख्वाहिशात का इजहार। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का अगस्त तक सरगर्मियां मुअत्तल रखने का फैसला, पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम का दौरा यूरोप मुल्तवी। अजलान शाह कप में शिरकत भी गैर यकीनी, फेडरेशन ने कौमी टूर्नामेंट्स का इनेकाद भी रोक दिया। का नॉन कस्टम पेड सोना बरतानिया ले जाने की कोशिश नाकाम, कस्टम जुकाम ने खसूसी परवास के मुसाफिर से सोना कब्जे में ले लिया। रेलवे प्रेम यूनियन भी कोरोना के खिलाफ आगाही मुहिम का हिस्सा, यूनियन रहनुमाओं की जानिब से मुलाजमीन में मास्क और
साबुन की तकसीम। सदर प्रेम यूनियन फयाज अहमद का सख्त हालात में जिम्मेदारी निभाने वाले मुलाजमीन को खिराज तहसीन पेश। रहनुमा मुस्लिम लीग कौफ चौधरी शाफे हुसैन के 8 साल गिरा। दोस्त अहबाब अजीज रिश्तेदारों की जानिब से मुबारकबाद के पैगाम ने ख्वाहिशात का इजहार। और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का अगस्त तक सरगर्मियां मुअत्तल रखने का फैसला। पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम का दौरा यूरोप मुल्तवी। अजलान शाह कप में शिरकत भी गैर यकीनी। फेडरेशन ने कौमी टूर्नामेंट्स का इनेकाद भी रोक दिया।